अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमटीएस न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। राजीव आरोग्य स्कीम का हुआ इफ्तिता। आज बतारीख 10 दिसंबर को याकूतपुरा एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने यूपीएचसी रैन बाजार सुपर बाजार हॉस्पिटल में 10 लाख की राजीव आरोग्य स्कीम का इफ्तिता किया। वाज़िर है नाज़रीन, कांग्रेस हुकूमत ने जो 6 गारंटी स्कीमात का वादा किए थे उसमें एक राजीव आरोग्य स्कीम का आगाज हुआ। इस इफ्तिता के मौके पर जाफर हुसैन मेराज के हमरा एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी, नोडल ऑफिसर्स, डॉक्टरों की टीम, याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉरपोरेटर्स व AIMIM के प्राइमरी यूनिट मेम्बरान भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं इस खसूस में चंद मजीद तफसीलात हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए MTS न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से राजीव आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके अंदर जो सबसे पहले आरोग्य श्री YSR के ज़माने में चालू हुई थी, जब कोई भी गरीब आदमी भी एनी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता था, बट उसका कवरेज सिर्फ 2 लाख रुपीज़ था। उसके बाद में गवर्नमेंट बढ़ा के 5 लाख करी। अभी मौजूदा तेलंगाना गवर्नमेंट जो आई है उसमें इसका आरोग्य श्री का अमाउंट बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। 10 लाख के अंदर जो भी इंसान है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ उसको बीमारी आई तो बीमारी के लिए इमीडिएट कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रश कर सकता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है वो भी अवेल कर सकता है। जिसके पास में आरोग्य श्री कार्ड है, जिसके पास में वाइट राशन कार्ड है, ये लोग तमाम बीमारियों को कवर कर सकते हैं, जिसमें चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, मेरे दलित भाई हो, मुस्लिम हो या और भी कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, इस सारे के सारे उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं बहसियत याकूतपुरा MLA में आप लोगों को एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी गवर्नमेंट स्कीम आएंगे इसको अवेल कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मेरी पार्टी की रहेगी। मेरा फ़ोन नंबर है 9848032321। एक और नंबर है 9963741786। अगर आप लोगों को किसी वजह से कोई दिक्कत होती